हूँ कि आप किस तरीके से अपने फ़ोन से एक बढ़िया HD थंबनेल बना सकते हैं अपनी वीडियोस के लिए और बाकी कामों के लिए भी। तो वीडियो बन मैदान होने वाली है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल वाले आइकन को दबा लीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। तो दोस्तों, जैसा आप देख सकते हैं स्क्रीन पर एक थंबनेल है मेरे एक वीडियो का, तो आप भी इस तरीके का थंबनेल बना सकते हैं अपने फ़ोन से। ये मैंने फ़ोन से ही बनाया है, बहुत ही आसान है कोई भी थंबनेल बनाना। यूट्यूब में आपकी वीडियोस के लिए थंबनेल एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। थंबनेल के बिना आप अपने वीडियो उसको ग्रो नहीं कर सकते, अपने चैनल को ग्रो नहीं कर सकते। थंबनेल उसे कहते हैं जो आप वीडियोस के ऊपर पड़ा हुआ देख के आप वीडियो पर क्लिक करते हैं, उसे थंबनेल या बैनर कहते हैं। तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। इसका नाम है पिक्सल लैब। आप इसे ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस नज़र आएगा आपको। यहाँ प्लस वाले आइकन पर आपको टेक्स्ट, करंट डेट, स्टिकर, सेव्स फ्रॉम गैलरी, ड्रो, बाकी सब दिखता है। मैं आपको एक एक चीज़ बड़ी आसानी से सिखाऊंगा। उसके बाद ही सेकेंड ऑप्शन है, यह है सेव प्रोजेक्ट या सेव इमेज, थर्ड वाला शेयर, बाकी ये और हैं। अब आप यहाँ देखेंगे तो ये ए बना हुआ, उस पर क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट के लिए है। अब सबसे पहले हमें बनाना है यूट्यूब बैनर, तो आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना है। थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद आपको इमेज साइज़ पर क्लिक करना है। इमेज साइज़ पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ प्रीसेट कस्टम लिखा हुआ है, आपको इस पर क्लिक करना है। आप स्क्वायर प्रोफाइल पिक्चर बना सकते हैं अपने, यूट्यूब चैनल बैनर भी बना सकते हैं अपना, यूट्यूब थंबनेल बना सकते हैं, फेसबुक कवर आर्ट बना सकते हैं, गूगल प्लस कवर फोटो और ट्विटर हेडर साइज़। आप इस सब बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, लेकिन हमें तभी थंबनेल बनाना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे और सेलेक्ट कर देंगे। आप सीधे सीधे 1280 और 700 भी डाल भी सकते थे, लेकिन ये आसान है, ऐसे आपको कर देना है। ओके ओके करेंगे तो थंबनेल साइज़ का आ गया। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इसका कलर का चेंज कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको जाना है फोर्थ वाले ऑप्शन पर, कलर दिख रहा होगा आपको। आप यहाँ से ग्रेडियंट भी चुन सकते हैं, कोई भी कलर, जैसे कलर चेंज हो रहा है आप देख सकते हैं, या आप कलर वाले ऑप्शन में जाकर कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं, जैसे ये ब्लैक, ब्लू। वैसे मुझे तो सबसे बढ़िया वाला ब्लू लगता है क्योंकि एट्रैक्टिव कलर है। आपने मेरी वीडियो में बहुत देखा होगा कि मैं ज़्यादा इस कलर का यूज़ करता हूँ। बाकी आप प्लस पर जाकर किसी भी कलर को यूज़ कर सकते हैं जो आपका मन करे। ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आपको राइट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ये न्यू टेक्स्ट है, अगर आपको अपना कोई टेक्स्ट लिखना है, जैसे ये इस पर एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। पहले मैं आपको अब दिखाई देता हूँ थंबनेल पूरा बनाकर, जैसे ये है। अब आपको इस पर टेक्स्ट पर क्लिक करना है, ए वाले ऑप्शन पर जाना है, एडिट पर जाना है, उसके बाद आपका कीबोर्ड आ जाएगा, कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ हाउ टू मेक YouTube वीडियोस, जैसे मैं आपको ये लिख कर दिखा देता हूँ। अब आपको ओके पर क्लिक कर देना है। अब इतना बड़ा है, आप इसको इस तरीके से छोटा भी कर सकते हैं। अब देख सकते हैं आप, इस तरीके का आ गया कुछ। अब आप कह रहे होंगे भाई ये थोड़ा सिंपल सा लग रहा है, उसका भी है। आपको जाना है टेक्स्ट साइज़, आप इसको बड़ा घटा भी सकते हैं जैसा आपका मन करे। उसके बाद आप ये सेट कर लें अपने हिसाब से, फिर आप इसके कलर को चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने कलर पर क्लिक करा, अब इसमें भी वही है ग्रेडियंट या वो, जैसे मैंने रेड लिख लिया। अब ये बहुत सिंपल सा लग रहा है। अब हमें इसका स्टाइल चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, आपको ए बी फॉन्ट पर जाना है। फॉन्ट पर जाने के बाद आपको जो आपको मन करे आप वो फॉन्ट चुन सकते हैं, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आप ये अमरनाथ बोल्ड है आप इसको करें, क्योंकि इसको सेलेक्ट करें क्योंकि ये बहुत बढ़िया है। मैं हर वीडियो में अपना यही टेक्स्ट लगाता हूँ, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है अपना हमारा भी टेक्स्ट। अब आप इसके बैकग्राउंड में कलर चाहते हैं तो आपको बैकग्राउंड को एनेबल कर देना है। एनेबल करने के बाद आपको आप कोई से भी कलर चुन सकते हैं, जैसे ये ग्रीन चुन लिया मैंने। उसके बाद अगर आपको लेफ्ट में उड़ाना है तो लेफ्ट में कर सकते हैं, राइट में उड़ाना है तो राइट में कर सकते हैं, टॉप में उड़ाना है टॉप में उड़ा सकते हैं, बॉटम जो ऐसा आपका मन करा उस तरीके से इस टेक्स्ट को अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। इसके बैकग्राउंड के कलर को भी आप सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब मैं इसको कर देता हूँ डिलीट। अब मैं पूरा डिलीट कर दिया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप पहले मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, जैसे ये है। आप बैक वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपने जो पहले करा था आप वो भी कर सकते हैं।
उसके बाद अब फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ कि आप इसमें इमेज कैसे लगा सकते हैं। और बहुत देखा होगा आपने कि इमेज आ जाती हैं, आप उस तरीके उसको कैसे कर सकते हैं। तो आपके लिए इसको जाना है थर्ड वाले ऑप्शन पर, फोर्थ वाले पर। उसके बाद आप इमेज अगर बैकग्राउंड इमेज चाहते हैं तो आप फ्रॉम गैलरी कर लीजिए, बाकी वरना आप थर्ड वाले ऑप्शन पर जाकर इम्पोर्ट पर क्लिक कीजिए। इम्पोर्ट पर क्लिक करने के बाद आपको जितने भी आपके एप्लीकेशन ये सारी इमेजेस आ जाएंगी। अब मैं आपको इमेज ला कर दिखाता हूँ एक, जैसे मैंने डाउनलोड्स पर गया, मैंने डाउनलोड कर रखी है वो सारी इमेज। इमेज करने के बाद जैसे मैंने फ़ोन का PNG डाउनलोड कर रखा है, मैं आपको फ़ोन का PNG लगा कर दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं आप, ये फ़ोन का PNG आ चुका है। अब आप इसे अपने हिसाब से बड़ा छोटा जिस हिसाब से करना चाहते हैं उसको सेट कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। बाकी आपके इसको आप जब इसको यूज़ करेंगे तो आपके फंक्शन समझ जाएंगे, आप अपने हिसाब से इसका एनेबल ऑफ बाकी जो आपका मन करे आप कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है फ़ोन से थंबनेल बनाने का। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।